शिल्पी राज का केस महिला विकास पहुंचा हुआ है, और कभी कुछ इन्फॉर्मेशन तो कभी कुछ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता रहता है। लेकिन इस कड़ी में बीना मानवी किस तरह से शिल्पी राज को मिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कॉल मोबाइल से बात करते हुए शिल्पी राज से और विजय चौहान से दोनों से बात करते हुए ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और वीडियो में किस तरह से बीना मानवी बोल रहे हैं शिल्पी राज को कि जो कुछ भी हुआ ये सब भुला के, जो मैटर है पैसा का है, जो भी मामला हो उसको हटाओ और अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ो। और ये वीडियो में विजय चौहान से भी बात करते हैं। विजय चौहान भी बात यही बोलते हैं कि बहुत सारे गुत्थी है, मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, कोर्ट क्या कुछ करेगी, क्या कुछ बताएगी, ये सारे बातें विजय चौहान बोले कि जो कुछ मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। लेकिन उस कड़ी में बीना मानवी भी उत्तर देते हैं। आइए क्या उत्तर देती हैं वो वीडियो में देखिए। पैसे के लिए तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग मिल के बात अरे करें। ठीक है। हाँ शिल्पी, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, ठीक हूँ मैं। शॉर्ट आउट करो यार इस मामले को, ज्यादा रायता फैले इससे पहले चीजों को समेट लेने में ही अच्छा ही है ना। मामला तो दबी चुका था, अचानक से फिर सोशल मीडिया पे मामला उठ गया है तो अच्छी बात नहीं है ना। पैसे के लिए तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग मिल के बात अरे करें। ठीक है, मान लो पैसे के लिए ही, अरे तो दो पैसा आगे बढ़ो जीवन में, वो भी बढ़ेगा तुम भी बढ़ो, उसको बर्बाद करके नहीं ना बढ़ सकती हो यार। वह उसको भी बढ़ा दो, वो तुमको बढ़ाया, तुम भी उसको एक एक ब्रेक दे दो, फिर वो बढ़ जाएगा अपने जीवन में आगे। अरे तो कौन किसको रोका है, हम यही तो आप जानने रही है सारा मैटर, हम हाँ यही तो चाहते जानने के हैं। लिए ना बाबू फोन किए हैं, जानेंगे तब ना, फोन पे कितना जाने ये बताओ। यही चाहते हैं कि हम लोग मिल करके हाँ बात करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ। विजय चौहान जी, चलिए आपका फोन आ गया, अच्छा है। ओके, अरे हाँ हाँ ये आपका नंबर है। हाँ मैं लगातार ट्राई कर रही थी। एक्चुअली बातें ऐसी हैं ना, जरा शिल्पी और आप एक बार मिल के बैठ के बात कर लेते तो ठीक रहता। चीजें बिगड़े है ना, चीजें बिगड़े उसके पहले है कि चीजों को संभाल लिया जाए। हम भी सोच रहे हैं ना कि जो भी बात हो मिलजुल करें। हाँ मिलजुल के, जहाँ चीजें गलत होती है ना वहाँ पे चीजें मिलजुल के ही खत्म करने में अच्छाई है, नहीं तो फिर चीजें बिगड़ेंगी और बेकार हो जाएंगी। आखिर वो भटक रहा है विवेक पटेल, तो उसके जीवन का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। रहना है प्रेम से रह लो, अलग होना है प्रेम से अलग हो जाओ, कभी तो साथ निभाए थे दोनों एक दूसरे का, है ना विजय? फिर मैं वही मिल लूंगी, शिल्पी को भी बैठा के रखिएगा, ठीक है? अब चूंकि मैं, मेरे को इस केस से कोई मतलब था नहीं, आप भी देखे होंगे मुझे स्पेशली इस केस में लगातार सोशल मीडिया पे हाय तौवा मचा के और विवेक आके एप्लीकेशन ऑफिस में दे के जब गए हैं, तो उसके बाद मेरी मजबूरी है कि मेरे को तो भाई कार्य करना पड़ेगा ना, तो इसलिए अदरवाइज हम तो अवॉइड ही कर रहे थे। मुझे तो जब तक कोई फटे में टांग अड़ाने की तो आदत है नहीं, जब तक हाई कोर्ट में क्या चलेगा इसमें, अब जो भी हो, मतलब शिल्पी के द्वारा केस किया गया था, उधर से भी केस किया गया था, ये गुत्थी है ना, ये चौड़ी गुत्थी है। मैम इसको समझने में अच्छे से, मान लीजिए शिल्पी से भी जब हम और हो सकता है सामने वाला जो बोल रहा है ना कि मैं भटक रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब महिला आयोग का जब शिल्पी को सहारा मिल जाएगा तो और मजा आएगा। नहीं नहीं मुझे, मैं एक तरफा तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ ना। दूसरा बात है, महिला विकास मंच का ये काम नहीं है कि एक तरफा बोले, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, अब शिल्पी का जो पक्ष है वो भी हम रखेंगे। अभी फिलहाल मेरी बात आपसे हो रही है और कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में आप एक अहम चेहरा है, इस चीज से भी नहीं नकारा जा सकता। मैम आप शिल्पी से एक बार बात कर लीजिए फोन पे।